लॉन्ग वेट मैं अपना जो लिविंग रूम है उसका टूर आपको दे रही हूँ। मैं काफी टाइम से अपने वीडियोस में कहती थी कि मुझे अपने हाउस को डेकोरेट करना है बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला और बीच में कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो गए थे जिसके वजह से मैं कर नहीं पाई। बट फाइनली अब दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, आज से 4 दिन बचे हैं दिवाली के सिर्फ, तो तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो बिल्कुल दिवाली अप्रोप्रिएट मैंने अपने लिविंग रूम को एकदम अच्छा सा मेकओवर दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैंने इस लिविंग रूम मेकओवर में कुछ भी ऐसा फैंसी तो बहुत कुछ किया है बट कुछ भी ऐसा ओवर द बोर्ड नहीं किया है जिसमें बहुत सारा खर्चा हो। काफ़ी सिंपल घर में अवेलेबल होने वाली चीज़ों से ही ये मेकओवर किया है। बेसिकली इस लिविंग रूम मेकओवर में मैंने पूरा फोकस जो है वो ग्रीनरी पे रखा है, सारा प्लांट्स वगैरह से डेकोरेट किया है ताकि बहुत ही लाइवली और बहुत ही अच्छा लुक आए और साथ ही साथ बहुत सारे लाइट्स का यूज़ किया है क्योंकि वाई नॉट, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। सो सबसे पहले जो ये पार्ट है ये मेरा मेन एंट्रेंस डोर है, यहाँ से मेरा एंट्रेंस है देखिए, तो ये मेरे घर का एंट्रेंस है और इसी से मेरा लिविंग रूम स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने कर्टेन्स ऐड किए हुए हैं काफ़ी कलरफुल से क्योंकि मेरी पूरी वाइब जो है वो काफ़ी कलरफुल है तो यहाँ पे मैंने कर्टेन्स ऐड किए हुए हैं। इसके बाद जो ये वाला कॉर्नर है इसको मैंने लाइट्स और लैम्प्स वगैरह से डेकोरेट किया है। इसमें मेरे पास एक पुराना लैंप था जो कि काफी बोरिंग और बेज कलर का था तो मैंने इसके ऊपर एक पीस ऑफ क्लोथ, मेरे पास ओल्ड एक ब्लाउज पीस रखा हुआ था उसको पूरा स्टिक कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन और छोटे छोटे टैसल्स लगा दिए, इससे काफी ब्यूटीफुल और एकदम न्यू सा लुक आ गया है। और ये मैंने यहाँ पे जो दीवार है इसपे मैंने अपनी जो ये राइस लाइट्स होती हैं इनको एकदम अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द डी पिन इनको प्लेस कर दिया है ताकि दीवार में भी होल ना हो और एकदम अच्छे से ये एकदम नीट लुक आए। अब इस लैम्प के अगर अपन नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स प्लेस किए हैं जिसमें 2 एरिका पाम है और साथ ही मैंने एक DIY मटकी को प्लेस किया है, मतलब एक मटकी थी मेरे पास जो फूट रही थी उसमें से पानी निकलता था तो मैंने उसको पेंट करके काफी अच्छा सा ट्राइबल सा पेंट करके उसे एज अ प्लांटर यूज किया है और एक बहुत ही कलरफुल सा रग यूज करके और थोड़ी सी वुडन चेयर्स यूज करके इस एरिया को एकदम अच्छा सा सीटिंग कॉर्नर बनाया है। चल रहे अपने जो वाला सेटअप था लाइटिंग वाला उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे मेरा पूरा ये वाला सेटअप है जिसमें मैंने 2 सोफा प्लेस किए हुए हैं, इसके बीच में एक छोटी सी टेबल रखी हुई है जिसपे मैंने एक बुद्धा प्लांटर प्लेस किया हुआ है। और अगर अपन वॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल पे मैंने काफी ब्यूटीफुल सी अपनी प्री वेडिंग शूट की जो पिक्चर्स हैं उनको लगाया हुआ है, साथ ही गिटार हैंगर पे गिटार हैंग किया हुआ है। काफी कोजी सा पर्सनलाइज सा ये थीम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली पिक्चर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहें तो कोई और कोट्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप ऐसा कोलाज बना सकते हैं क्योंकि आजकल काफी ट्रेंड में है अपनी पिक्चर्स वगैरह ये सारा कोलाज फॉर्म में यहाँ पे अपनी लिविंग रूम में प्लेस करना। सेंटर टेबल डेकोर मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी सेंटर टेबल है जो काफी ब्लिंगी है, यहाँ पे मिरर्स मैंने लगाए हुए हैं पहले, ये काफी पहले मैंने उसके बाद एक नॉर्मल बिरयानी का जो कंटेनर होता है हांडी होती है वो है तो उसको मैंने पेंट करके तो काफी ब्यूटीफुल सा लुक दे दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें प्लेस करे हैं ये गेंदे के फ्लावर्स जो काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं आई थिंक। तो ये काफी बेसिक सा मिनिमल सा सेंटर टेबल डेकोर मैंने यहाँ पे प्लेस करा है। इस वाले वॉल को मैंने काफी बेसिक रखा है, मतलब बहुत बेसिक तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लाइट्स ऐड करे हैं बिकॉज दिवाली डेकोरेशन हम कर रहे हैं तो इसको मैंने एकदम प्लेन रखा है, बस यहाँ पे जो लाइट्स हैं उनको ही प्लेस करा है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्नर में एक प्लांट प्लेस करा है, मनी प्लांट प्लेस करा है। और मैंने पूरे लिविंग रूम में जैसा कि आपको बताया ग्रीनरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा है क्योंकि ग्रीनरी से एकदम लिविंग लाइवली और बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है पूरे घर में। और मैंने यहाँ पे काफी इजी टू मेंटेन प्लांट्स यहाँ पे यूज करें, लेट मी नो अगर आप मेरा प्लांट कलेक्शन देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो फोटो वॉल है उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे टीवी रखा हुआ, टीवी दीवार पे हैंग किया हुआ है
तो यहाँ पे कोई टीवी यूनिट नहीं है, तो मैंने ऐसे ही अपने ग्लास टेबल को एज अ टीवी यूनिट यहाँ पे यूज करा हुआ है। सबसे पहले दीवार पे एक टीवी यूनिट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एरिका पाम है जिसको मैंने फेरी लाइट से थोड़ा डेकोरेट किया है, तो ये काफी अच्छा इजी मेंटेनेंस प्लांट है। इसके बाद वॉल पे अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे मैंने अमेजोन से ही MDF के कुछ कुछ पेंटिंग टाइप्स हैं जिनको मैंने अमेजोन से बाय किया था, और मैंने उनको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डबल टेप जो इसके साथ ही आई थी उसको यहाँ पे चिपका दिया है, तो काफी मेरे जो थीम है कलरफुल सी उसको मैच कर रही है। और उसके बाद अगर अपन इस टेबल की साइड आते हैं, बताया जैसे कि मैंने ग्लास टेबल को एज अ टीवी टेबल यहाँ पे यूज करा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने इस पे एक मनी प्लांट रखा हुआ है ताकि जितने भी अनइवन वायर्स जो दिख रहे हैं उनको ये हाइड कर सके, और साथ ही ग्रीनरी और लाइट्स भी ऐड करी है। और उसके बाद मैंने एक छोटे से गणेश यहाँ पे रखे हुए हैं, साथ ही साथ एक डिफ्यूजर यहाँ पे रखा हुआ है। उससे नीचे वाली शेल्फ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी कुछ बुक्स प्लेस करी हुई है, काफी अच्छी अच्छी जो ट्री ऐड किया है केजेस वाला जिसमें बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स है। नीचे चलते हैं तो और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। फिर अगर हम देखते हैं ये जो टीवी टेबल है इसके लेफ्ट इसके राइट हैंड साइड पे अगर अपन देखते हैं तो फिर से यहाँ पे प्लांट्स का एक मैंने ग्रुप रखा हुआ है, 3 प्लांट्स। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लिविंग रूम मेकओवर पसंद आया होगा, लिविंग रूम टूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और मेरे चैनल पे और भी कई मेकओवर आने वाले हैं, जैसे कि पूजा रूम मेकओवर, बेडरूम मेकओवर, गेस्ट रूम मेकओवर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय।